आज अपन एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट की बात करेंगे। उसको एनालिसिस करने के पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर को कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। ये बॉडी है, ये कॉम्प्रेस किया, इसकी इंटरनल रिएक्शन ये आ गई। तो जो भी कॉम्प्रेसिव फोर्स होगा उसमें एरो जो है इंटरनल रिएक्शन के हिसाब से लग सर। जब एरो बैक टू बैक है इसका मतलब ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। ये यहाँ खींच रहे हैं अंदर से, उसको विरोध अपोज कर रहा है, तो ये टेंशन लग रहा है उसमें। तो टेंशन में हमेशा ध्यान रखो कि एरो जो है इन टू इन हो गए। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, एरो बैक टू बैक है तो कहेंगे उसको कॉम्प्रेसिव मेंबर, एरो फेस टू फेस है हमेशा उसको कहेंगे टेंशन मेंबर। और हमेशा जब भी कोई अपन ट्रस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा इंटरनल रिएक्शंस ही देखी जाती है, इसलिए या तो उसको ऐसा लिखा जाएगा या ऐसा बनाया जाएगा। ऐसा बन गया बैक टू बैक है, इसका मतलब ये कहेंगे ये कॉम्प्रेशन मेंबर है। एरो जब फेस टू फेस होगा इसको अपन कहेंगे टेंशन मेंबर है। इसमें एक विशेष बात रहती है कि हमेशा फोर्सेज जो है हमेशा जॉइंट के ऊपर ही एक्ट करते हैं, और ये जो मेंबर्स हैं इसको मेंबर्स बोलते हैं, जैसे ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये, और इसको जो है हमेशा कनेक्ट करते हैं पिन जॉइंट से, इसको हमेशा पिन जॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और हमेशा लोड इस पिन जॉइंट के ऊपर जो जॉइंट्स है सिर्फ उसी के ऊपर लगते हैं, बीच में कहीं पर भी इसका लोड नहीं लगता है। ये विशेषता इसमें ट्रसेस में रहती है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ें, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जब फोर्सेस है यदि इंक्लाइंड है तो उसका कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस दिशा में फोर्स कितना आएगा, इस दिशा में फोर्स कौन आया। यदि एंगल थीटा है तो ये इस डायरेक्शन में पी कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में पी साइन ऑफ थीटा होगा। एरो जैसा लगे हैं वैसे के वैसे बनेंगे। यदि ऐसा आ गया है तो एरा ऐसा आएगा, एरो ऐसा है। यदि ऐसा बना है तो एरो ऊपर आएगा। और जब x इस डायरेक्शन में है तो अपन पॉजिटिव कहेंगे, x y इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव कहेंगे। जैसे पहले ही कहा था अपने कि अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव होंगे। फोर्स x डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, x डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जा रहा है तो उसको अपन निगेटिव जाएंगे। अब देखो इससे अंदाजा लगता है ये जो है ये टेंशन मेंबर होगा, ये अपना कॉम्प्रेशन मेंबर होगा। अब इसमें एक बात देखने की रहती है, एक बात विशेष बात देखना कि मैंने जैसे पहले ही कहा था हर ट्रस के ऊपर मेंबर जो है उसके ऊपर ही जॉइंट पे लोड आता है। अब आएगा तो फिर उसको सबसे पहले इसकी रिएक्शन निकालना पड़ती है। रिएक्शन निकालने के लिए अपने पास दो कंडीशन है, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो अलजेब्रिक सम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो और सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा वी इक्वल टू जीरो में क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो प्लस आर ए माइनस टेन प्लस आर बी इक्वल टू जीरो। अब मोमेंट यहाँ ले लो तो आर ए इंटू जीरो टेन इंटू टू पॉइंट फाइव और आर बी इंटू फाइव, ये एंटी क्लॉक वाइज ये क्लॉक वाइज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ अपने को आर बी की वैल्यू आ गई 5 किलोन्यूटन, उसमें रखोगे तो आपको आरबी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ टू कैलकुलेट द फोर्सेस इन मेंबर्स ऑफ ट्रस, हमेशा इसमें ये ध्यान रखना है हर मेंबर में जब फोर्स निकालना है तो ऐसा जॉइंट कंसीडर करो जिसमें दो से ज़्यादा अननोन मेंबर मिल नहीं रहे हो। ऐसा मेंबर है जिसमें दो से ज़्यादा मेंबर मिल रहे हो तो उस मेंबर को अपन सॉल्व नहीं कर सकते। अपने पास सिग्मा एच और सिग्मा वी ही दो ही कंडीशंस अपने पास अवेलेबल है, तो वही कंसीडर करना है अपने को। अब उसी सवाल को जैसे अभी कर रहे थे, एक ट्रस लिया है इसमें ये थीटा वन थीटा टू कहा ये 10 किलो न्यूटन है, परंतु इसमें एंगल नहीं दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आधे पे है, तो ये आ गया 2/2.5.8 दैट इज 38.65 डिग्री। अब सबसे पहले एक जॉइंट सिलेक्ट किया, ये
और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अपन यहाँ पर, जॉइंट को यहाँ से फ्री किया और यहाँ बना दिया, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये 5 kN है, ये फोर्स को लिखा है एफ ए बी, इस फोर्स को लिखा है एफ ए सी। यदि ये सी है ये बी है तो इसकी ऑटोमेटिकली इसको अपन सी कहेंगे, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो एफ ए सी एफ ए बी। एंगल निकाला था अपन ने उसमें वो 38.65। अब इसको हॉरिजेंटल रिजोल्यूशन करना है। अब डायरेक्शन हमेशा बताया था, अस्यूम द डायरेक्शन एज अवर चॉइस। अपन चाहे तो इसको यूं भी लगा सकते हैं, चॉइस से यूं भी लगा सकते हैं, अपन चाहे तो इसको यूं भी लगा सकते हैं, चाहे इसको यूं भी लगा सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी अपन एरो लगाएंगे तो ये जॉइंट के आसपास ही लगाना, बीच में यहाँ कहीं नहीं लगाना है, जीन पे यहाँ कहीं नहीं लगाएंगे। अब अपन सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 करेंगे और हर फोर्स को लेंगे, एक मेंबर को लेंगे, एक दो तीनों को लेंगे, तीनों को मेंबर लेकर के फिर उसको हर एक को वर्टिकल कंपोनेंट निकालना। अपन यहाँ से चालू करते हैं, 5 साइन ऑफ कितने डिग्री है, 90 डिग्री अपवर्ड, इसको ले लिया मैंने। एफ ए बी साइन ऑफ कितने डिग्री है, 0 डिग्री। हमेशा एंगल हॉरिजेंटल से ही लेना है। और ये कितना होगा, एफ ए सी साइन ऑफ 38.65 डिग्री, वो आएगा नीचे, तो इसे अपन कहेंगे माइनस, माइनस एफ ए सी साइन ऑफ 38.65। ये 0 हो गया, ये साइन 90 की वैल्यू 1 है, इसलिए एफ ए सी की वैल्यू 8 आ गई किलो न्यूटन। चूंकि मैंने कंप्रेशन में यूं माना था, इसका मतलब दूसरा एरो भी ऐसा लगेगा, इसका मतलब ये कंप्रेशन में है। यदि मेरा ये रिजल्ट निगेटिव आ जाता, ये माइनस में आ जाता, तो समझ लो ये अपन ने जो अस्यूम किया है वो गलत है, उसकी साइन चेंज करेंगे, वैल्यू वही रखें, उसमें चेंज नहीं करेंगे। अब पहले सिग्मा वी हो गया, अब सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 करेंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना, हमेशा एंगल देखना है, इस मेंबर का एंगल इससे कितने डिग्री, हॉरिजेंटल से कितने, 90 डिग्री, तो 5 कॉस ऑफ 90, एफ ए बी कॉस ऑफ 0, एफ ए सी ये कितना है 38.65, ये हॉरिजेंटल में ऐसा हो गया यू डायरेक्शन में, तो माइनस में आना चाहिए, माइनस एफ ए सी कॉस ऑफ 38.65, इससे एफ ए बी की वैल्यू आ गई, ये भी 6.2, ये भी पॉजिटिव आ गई, मतलब ये जो एरो लगाया है अपना सही है, इसका मतलब दूसरा एरो कैसे आएगा, ऐसा, मतलब ये टेंसाइल बिंदु। बस इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, एरो लगाओ और चेक करो, यदि एरो अपना पॉजिटिव आ रहे हैं तो समझ लेना कि अपना सब सही चल रहा है, अदरवाइज मान लो माइनस में आ गया तो वैल्यू तो वही रहेगी, उसके डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जो अपने कॉम्प्रेशन माना था उसको टेंशन मान लो, जो टेंशन माना था उसको कॉम्प्रेशन। इसलिए हर मेंबर में इसमें फोर्स निकालना, फिर इस जॉइंट बी को लो, जॉइंट बी को लेकर के इस मेंबर में भी फोर्स ऐसे निकाल लो, और आपको सब रिजल्ट ऐसे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इससे जो फोर्स यहाँ आया है वो कि वही फोर्स यहाँ आएगा, इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया गया। अब अपन थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं, ये वाला सवाल, एंगल दे रखा है, डिस्टेंस से दे रखे हैं, ये डिस्टेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, अपने पास ये पता है एंगल 60-60 है, तो सबसे पहले अपने को आर आर भी निकालना है, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 0, आपने जब रिएक्शन निकाली थी पॉइंट लोड यूडीएल की जो समय कैसे किया था, ठीक वैसे ही करना है, प्लस आर ए माइनस 40 माइनस 20 प्लस आर बी इक्वल टू 0, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 0, टेक मोमेंट एट ए, आर ए इंटू 0 40 इंटू 2 20 इंटू 6 आर बी इंटू 8, और ये वैल्यू आ गई आर बी की अपनी पास 25, तो आर बी की 25 आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 35, 60 माइनस 25 दैट इज 35 किलो न्यूटन। अब सवाल ये मैं कहाँ से चालू करूँ, क्या मैं यहाँ से चालू कर सकता हूँ, जब देखिए ये फोर्स पता है, ये एक दो तीनों मेंबर में अपने को फोर्स नहीं पता, इसलिए अपन वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते
एक दो चारों मेंबर में फोर्स नहीं बोता, तो अपने को वही जॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां दो से ज़्यादा अननोन मेंबर नहीं मिल रहे हैं। इसको देखते हैं, यहाँ दो ही अननोन है, वो लेकर इसको सॉल्व करो, फिर इसको ले लो, ये दो अननोन है सॉल्व करो, तो इससे ये दो फोर्सेस आ जाएंगे, इससे ये दो फोर्सेस आ जाएंगे। अब देखो ये नोन हो गया, ये नोन हो गया, ये नोन हो गया, ये नोन हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दो ही अननोन है। इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पता है, ये भी पता है, दो अननोन है। क्या यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये अननोन है और ये अननोन है, ये अननोन है, ये तो नोन है, दो अननोन है, तो दैट कैन बी वेरी इजीली सॉल्व। तो स्टार्ट करो जॉइंट ए से, जॉइंट ए से चालू किया, एज यूजुअल निकाला, तो आपने को एसी और एडी की वैल्यू मिल जाएगी, एसी और एडी की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार एसी एडी की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट अपने को आरबी से निकाल करके दूसरी वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही जैसे ये निकाली है। फिर इस जॉइंट को लेंगे, जॉइंट डी को, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमेशा हमेशा इसका हरेक का फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जिस जॉइंट में जैसे जैसे मेंबर बने हैं ना, उसको उठा करके यहाँ से यहाँ बना देना, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसको यहाँ से बना करके और फिर इसके एंगल हॉरिजेंटल से एंगल लिख लेना, चूँकि पहले ये निकाल चुके हैं अपन, इसलिए एरो लगा दिया, उसकी वैल्यू लिख दी। ये पद अपने को पता है, ये दो अननोन है, इसको मैंने एरो ऐसे लगा दिए टूवर्ड द जॉइंट। आप चाहो तो उसको अवे फ्रॉम जॉइंट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़े, बना दो चाहे जैसे। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो माइनस में आएगा, अपन फिर एरो बदल के करेक्ट लिख लेंगे। इसको जॉइंट यहाँ पर आ गया, अब मैंने इसको यहाँ लिया, अब इसको पहले हॉरिजेंटल किया, तो यह हॉरिजेंटल कैसे आएगा, इस दिशा में, मतलब प्लस। यह हॉरिजेंटल कैसे आएगा, इस दिशा में, माइनस। ये भी किस दिशा में जाएगा, माइनस में। देखो 40.41 कॉस ऑफ 60, पहले अच्छा पहले हमने वर्टिकल किया है, ओके पहले वर्टिकल सॉल्व करो, पहले इसका मतलब ये वर्टिकल आएगा यहाँ, ये वर्टिकल आएगा यहाँ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ नहीं सकता और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नीचे जस्टी। 40.41 साइन ऑफ 60 डिग्री, ये 40.4 साइन 60 मतलब ये ऊपर आ गया, इसलिए इसको लिखा है प्लस। एफ डी सी कौन सा है अपना, FDC, इसको भी ऐसे बनाया साइन 60, ये भी ऊपर मतलब प्लस, ये दोनों प्लस आ गए। देखो इसका साइन 90 है, इसलिए ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ रहेगा 40, ये 40 ले लिया इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें अपने को ये वैल्यू आ जाएगी अपने को FDC की, FDC आ गया, ये पता है, एक में आ गया, उसके बाद दूसरी इक्वेशन सिग्मा H लगा करके इसकी वैल्यू निकाले, ये आने के बाद दूसरी ये जॉइंट ले लो, ये पता है, ये पता हो गया, सिर्फ ये अननोन है, ये निकालो। इस प्रकार से अपन टोटल मेंबर में फोर्सेस निकाल सकते हैं। उसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि हमेशा जो भी जॉइंट निकालेंगे उसमें हाँ हर मेंबर का जो एंगल है वो हॉरिजेंटल से देखना है। जैसे इसका भी हॉरिजेंटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसका हॉरिजेंटल एंगल कितना है, 0 डिग्री, इसका हॉरिजेंटल एंगल कितना है, 60 डिग्री। हमेशा हर जॉइंट को जब निकालेंगे तो उसका एंगल हॉरिजेंटल से ही लेना है, वर्टिकल से नहीं लेंगे। और इसी प्रकार से अपन एक के बाद कैसा भी ट्रस आए सॉल्व करने में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपन एक एक जॉइंट सॉल्व करके ले रहे हैं, इसके लिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। एक जॉइंट लिया उसको सॉल्व किया, दूसरा जॉइंट लिया उसको सॉल्व किया, तीसरा जॉइंट लिया उसको सॉल्व किया, एक एक जॉइंट लेकर के अपन मेंबर्स में फोर्सेस निकाल रहे हैं, इसलिए इस मेथड को अपन कहते हैं मेथड ऑफ जॉइंट। दो मेथड से अपन सिर्फ फिलहाल बात करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट की ओनली,
दूसरी मेथड, दो चार और सवाल करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। विल कंटिन्यू, विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम।